हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को और मजबूत बना रहे होंगे। दोस्तों आज मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि आज से मैं क्या किया हूँ। ठीक है, जो राकेश यादव सर का बुक है, मैथ का जो राकेश यादव सर का बुक है, ठीक है, तो इसका नाम है दोस्तों 97+, यानी इसमें 97+ क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। SSC का ये बुक है दोस्तों। हालांकि दोस्तों आपको पता है कि जो अगर आपने SSC का बुक पढ़ा है दोस्तों, तो लगभग सभी क्वेश्चन सभी तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम में दोस्तों एक ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, है ना। हल्का फुल्का क्या होता है दोस्तों कि कोई हार्ड होता है दोस्तों, थोड़ा कठिन, मतलब कैलकुलेशन क्या क्या चेंज कर देता है, कभी कहीं कैलकुलेशन आपको हार्ड दे दिया जाएगा और कहीं आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतने से ही क्या होता है दोस्तों कि पेपर हार्ड और कठिन बनता है, बाकी रूल्स जो है दोस्तों जो आप SSC में पढ़ेंगे वही रेलवे में पढ़ेंगे, वही आपको UP SSC में देखना है, मतलब हर जगह वही देखना है। तो मैथ है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, और आने वाले जो मेरे वीडियो हैं दोस्तों, अगर राकेश यादव सर का पूरा आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट जरूर देखिएगा और मतलब अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें और हमारा जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, आपको पता होगा इस समय जो मैंने परसेंटेज का एक पूरा लेक्चर कर दिए हैं दोस्तों, मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो परसेंटेज का बनाया है, उसमें हमने एक 6 घंटे मतलब लगभग 7 घंटे का एक वीडियो अपलोड किया है दोस्तों, और उसमें मैंने पूरा परसेंटेज डिस्कस किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और अगर आपका अपना जो परसेंटेज का टॉपिक है कमज़ोर लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, और आपको लगे कि हम पढ़ सकते हैं, हम मैथ मतलब पूरा जीरो से मैंने इसमें समझाया है दोस्तों। ठीक है, तो उसी तरह हम अगर हम बात करें इसका अनुपात और समानुपात का, मैंने भी चौथा वीडियो है दोस्तों, और इस पर पहले मैंने 3 वीडियो कर चुके हैं दोस्तों इस पर। ठीक है, तो अगर उन 3 वीडियो को नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हमने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से आकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से कह देता हूँ, अगर आपको राकेश यादव सर का पूरा बुक सॉल्व करना है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जरूर बनिएगा और आप इसको थोड़ा सपोर्ट करिएगा। ठीक है, ताकि मैं अपनी और भी आने वाले दिनों में अच्छे अब कुछ अलग अलग दोस्तों आपको सामने वीडियो लेकर आऊँ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा हो। ठीक है, देखिए जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ते जाते हैं दोस्तों, और जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहता है, वैसे वैसे क्या होता है दोस्तों कि हमारी जो लगन होता है दोस्तों, ठीक है, हमको एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, तो उसी मोटिवेशन से हम लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, वैसे तो आप लोग इतना समझदार हैं ही। ठीक है, अब चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। इसमें मेरा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं, कह रहा है कि ABC की आय का अनुपात 7, 9, 12 है तथा इनके खर्च का अनुपात 8, 9, 15 है। यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो, तो ABC तथा C की बचत का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बहुत ही आसानी से इसको करेंगे, आप बस थोड़ा भी डाउट मत रखिएगा। देखिए, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है, इनकी इनकम जो है दोस्तों, इनकम तो जो इनका इनकम है दोस्तों, इनकम का अगर रेशियो कर बात करें तो ये हो गया 7:7। अगर इसको देखिए, एक बात और बता देते हैं दोस्तों, अगर हम ये मान लेते हैं कि इनका जो इनकम है वो क्या है, इनका जो इनकम है दोस्तों वो है, इनका इनकम अगर मान लेते हैं 7x है, फिर मान लेते हैं 9x है, और फिर मान लेते हैं 12x है, ए इनका हो गया इनकम। ठीक है, किसका, ए बी और सी का, किसका दोस्तों, ए और ये आपका बी और ये सी, ए बी सी का क्या हो गया, ए इनकम हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 7x, 9x और 12x, आपको पता है जब रेशियो में होता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनका अगर मान लेते हैं जो इनका एक्सपेंडिचर है, यानी खर्च का जो रेशियो है दोस्तों, है ना, क्या है, खर्च का रेशियो है, उसको हम मान लेते हैं, ये हो गया 8y और ये आपका हो गया दोस्तों इनका 9y और इनका हो गया दोस्तों 15y, ये हो गया इनके खर्च का रेशियो। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों
आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन ये कर रहा है कि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग है। अब समझिएगा, ए की जो बचत है उसके कुल आय का कितना है, 1/4 है, तो ए बी सी का अनुपात उसे पूछा गया है। ठीक है, ए बी सी की बचत का अनुपात, समझिए बात को। अगर इनकी बचत की हम बात कर लेते हैं, क्या अगर इनकी बचत की बात कर लेते हैं, इसको हम अगर सेविंग से लिखते हैं दोस्तों, इनकी बचत की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर इसकी बचत को हम लिखते हैं सेविंग, यानी जो इनका सेविंग है दोस्तों, है ना, तो आपको पता होगा इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों इनकम कितना है, इसका इनकम कितना है, इनकम है 7x और एक्सपेंडिचर कितना है, यानी कमा कितना रहा है दोस्तों, इसका आय कितना है 7x और खर्च कितना कर रहा है 8y, तो इनका जो बचत हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का 7x और माइनस 8y। अच्छा, तो बी का क्या होगा, तो आप कहेंगे बी का हो जाएगा, बी का ये हो जाएगा 9x माइनस 9y, ये हो गया बी का। तो सी का क्या हो जाएगा, तो सी का हो जाएगा आपका 12x माइनस यहाँ पर 15y है, ठीक है, 12x माइनस 15y, ये हो गया सी का इनकम। ठीक है, अब देखिए बात समझिएगा, क्या इसको हम और कुछ भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, चलिए छोड़िए, रहने दीजिए, ऐसे मत लिखिए, ऐसे हम काम चला लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करते हैं, अब थोड़ा इसको समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जो ए की बात किया जा रही है, तो ए का जो कहा जा रहा है, ए की जो ए की बचत है उसकी कुल आय का कितना है, 1/4 है। अब हम एक काम करते हैं, ए की बचत कितनी है दोस्तों, तो ए की जो बचत है 7x माइनस कितना है 8y है। देखिए ध्यान से, ए की जो बचत है यानी सेविंग है दोस्तों, 7x माइनस कितना है 8y, और इनका इनकम कितना है 7x है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इनकी जो बचत है यानी बचत जो सेविंग है दोस्तों, सेविंग कितना है, तो सेविंग इनका है, सेविंग इनका है दोस्तों 7x माइनस 8y, ये इनका सेविंग हो गया। अच्छा, अभी कहीं कुछ इनका सेविंग जो है दोस्तों, इनकी बचत यानी इनकी जो इनकम का कितना है, 1/4 है, तो अगर इनको ध्यान से देखें तो इनका इनकम कितना है 7x है, तो 7x बटे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यानी ये आपका यहाँ से एक रिलेशन निकल गया। ठीक है, अब समझिए दोस्तों, अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, यानी ये हो जाएगा 7x माइनस 7x बटे 4 और ये बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें दोस्तों, ठीक है, अगर यहाँ से आप ध्यान से देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 चौका 28, 28 में 7 निकाल देंगे, यानी ये आपका निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये निकल जाएगा 21x बटे कितना, 21x बटे यहाँ पर 8y रहेगा, 21x बटे 4 और ये बराबर क्या निकल जाएगा, 8y निकल जाएगा। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ से x और y का रेशियो आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे, तो यहाँ से अगर हम x y का रेशियो निकालना चाहें तो वो हम निकाल सकते हैं, यानी x बटे जो y हम निकालना चाहते हैं दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x बटे y की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे तो ए वाला इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और y यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा 32 और 32 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 32 बटे हो जाएगा 21। ये क्या निकल गया, x और y का रेशियो निकल गया, मतलब अगर x का वैल्यू कितना है 32 है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, x y का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू 32 है, तो y का वैल्यू कितना हो गया, ध्यान से देख लीजिए, x का वैल्यू कितना है 32 है, तो y का वैल्यू कितना है 21 है। अब इसी को आपको क्या करना है, आपको इसमें रेशियो निकालना है, इनके जो सेविंग है दोस्तों इनमें क्या करना है, आपको रेशियो पता करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो x का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो x का वैल्यू निकला है 32, कितना निकला है 32, तो ये हो गया दोस्तों 7 × 32। अब इसको हम यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पर का या इसको अब इसको मिटाते हैं दोस्तों, आप इसको समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम मिटा देते हैं, हमको मतलब किससे है, x बटे y की वैल्यू से मतलब है। ठीक है, x बटे y की वैल्यू कितना निकल गया,
32 बटे 21 निकल गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ए आपका हो गया 7 × 32, कितना हो गया 7 × 32, ठीक है, और ए हो गया 8 × 21, ठीक है, 8 × 21 रेशियो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 32, क्या हो जाएगा 9 × 32, और इसको भी मिटाते हैं दोस्तों, ठीक है, 9 × 32, और ये आपका हो गया -9 × 32 - 9 × 21, यहाँ से ये हो गया, ठीक है, 9 × 32 - 9 × 21। अब यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 12 × 32 और -15 × 21, यहाँ से निकल जाएगा 15 × 21, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ए आपका निकलेगा फाइनली, अगर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। ए आपका हो गया, ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, 7 × 2 हो गया 14, क्या हो गया 7 × 2 = 14, 7 × 14 = 21, कितना हो गया 224, और ये हो गया दोस्तों 8 × 8 = 8, 8 × 2 = 16, 168, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ अगर देखें आप तो यहाँ क्या हो गया 9 × 2 आपका हो गया 18 और 9 × 3 हो गया 27 × 1 = 28, यानी 288 हो गया, ठीक है। यहाँ अगर देखें आप तो यहाँ पर आप एक काम करते हैं दोस्तों, ऐसे कर देख लीजिए, यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका 9 32 9 है, और यहाँ पर देखिए ये 32 9 है और ये 21 9 है, तो अगर 32 में से 21 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 32 में अगर 21 को घटाते हैं तो ये हो जाएगा 11 9, कितना हो जाएगा 11 × 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 × 9, ठीक है। देखिए ये 32 9 में से 21 9 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 11 9, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 × 2 = 24 और 12 × 3 = 36, 36 × 2 कितना हो जाएगा 38, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 15 × 15 = 30, 30 × 1 = 31, ठीक है। अब देखिए इसी को आप सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर देखें अगर तो जो इनका सेविंग निकल रहा है दोस्तों, ठीक है, जो इनका सेविंग निकल रहा है ये आपका 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा और ये आपका 11 में से 6 जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो गया 56, कितना हो गया 56, ठीक है। यहाँ देखिए 11 9 कितना हो जाएगा 99, कितना हो जाएगा 99, यहाँ देखिए अगर इसको आप घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा 9 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 69। तो फाइनली जो इनके सेविंग का जो रेशियो निकल गया 56, 99 और 59, तो जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देख 69, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 का जगह राइट हो जाएगा, यानी 56, 99, 69 क्या हो जाएगा, ये इनका सेविंग का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सवाल क्या है दोस्तों, बड़ा है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, वो तो मुझे आपको समझाने में इतना टाइम लग गया, नहीं तो ये सवाल बहुत ही लंबा भी नहीं है, ठीक है। तो जब आप अपने आप से करेंगे तो आपके लिए सवाल ये बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, देखिए ध्यान से इसको भी, यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या कर रहा है। अच्छा ये बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझेंगे और इसमें आपको एक ट्रिक भी लगाना होगा, देखिए ध्यान से समझिए, अपना दिमाग लगाना है दोस्तों इसमें, देखिए क्या कर रहे हैं। रामलाल 2 धनों को अपने 4 पुत्रों ए बी सी में बांटता है, देखिए कोई व्यक्ति है रामलाल, ठीक है, ए इसके पास 2 धन है ए बी सी डी और अपने उसके 4 पुत्र हैं ए बी डी सी, पहले धन को ये 4, 3, 2 के अनुपात में बांटता है, दूसरे धन को 5, 6, 7, 8 के अनुपात में बांटता है, यदि दूसरी धन जो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा एक याद रखिएगा, दूसरी धन जो है यहाँ पर पहले धन से क्या है दोगुना है, तो सबसे अधिक धन प्राप्त किसको मिला, मतलब ए को मिला या बी को मिला या तो सी को मिला, किसको मिला ये आपसे पूछा गया। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से अगर हम देखें
पहले धन की बात करें, ठीक है। पहला धन, पहला धन इसका क्या है? तो पहला धन है 4:3:2:1 ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे धन को ये बांटा किसने अनुपात में? तो दूसरे धन को ये बांट दिया आपका 5:6:7 और ये आपका कितना हो गया 8:1। ये हमने दूसरे धन को बांट दिया, ठीक है। अगर इसका सम देखें आप, तो इसके सम की अगर बात करें तो 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 कितना आ गया? 10 आ गया। इसके सम की अब बात करें तो 5, 6, 6, 5, 11 और 11, 7, 18 18 कितना हो गया? 26 हो गया। कितना हो गया? 26 हो गया। अगर हम 26 और 10 का क्या कर दें, एलसीएम ले लें, 26 और 10 का एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5, 6, 30 और 5, 2, 9, 10 10, 3, 13 मतलब कितना जाएगा? 130 हो जाएगा। कितना जाएगा? 130। समझ में आ गया? 110 होगा। एक सेकेंड, इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5, 6, 30 5, 2, 9, 10 10, 3, 13 सही है, 113 ही होगा। कितना होगा भाई? एक का एलसीएम आप लेंगे तो कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा। कितना जाएगा? 130, ठीक है। 26 और 10 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 130 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा दोस्तों, हम ये मान लेंगे जो हमारा पहला धन था, ठीक है, कौन धन? पहला धन, पहले धन को हम मान लेंगे कि हमारे पास, इसको थोड़ा मिटाते हैं, आप इसको समझ गए होंगे दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा और कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब देखिए पहले धन, चलिए ठीक है, रन दीजिए। पहले धन की अगर बात करें तो हम मान लेते हैं जो हमारा पहला धन है वो कितना है? 130 है। तो दूसरा धन क्या कर रहा है? किसका डबल हो जा रहा है, तो दूसरा धन कितना हो जाएगा? 260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 260 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर पहले धन की आप बात करेंगे तो पहले धन में ए की अगर बात करें, ठीक है, पहले धन में एक, देखिए 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 मतलब 10 किसके बराबर है? 30 के बराबर है। तो 10 जब 30 के 130 के बराबर है तो आप बताइए 10 किसके बराबर है? एक सेकेंड, यहाँ पर हम आपको बताते हैं, अगर 10 बराबर है दोस्तों 30 के तो एक किसके बराबर जाएगा? तो आप 130 के, तो एक बराबर किसके जाएगा? 13 के। किसके जाएगा? 13 के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी हम बात करेंगे, ठीक है, अगर हम बात करें ए की, तो ए को कितना मिला? एक किसके बराबर हो गया? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक बराबर हो गया 13 के। एक किसके बराबर हो गया? 13 के। तो 4 किसके बराबर हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4 बराबर हो जाएगा, जो 4 है दोस्तों ये बराबर हो जाएगा 13, 4, 52 किसके बराबर हो जाएगा? 13, 4, 52 और जो 3 बराबर हो जाएगा 33, 39 और जो 2 बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 किसके जाएगा? 26 के और जो एक बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 13। तो ए क्या हो गया? फाइनली जो है धन ए क्या हो गया? बट गया, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात करें तो इसको देखिए यहाँ पर 15, 6 इसको जोड़ेंगे तो 26 मिलेगा और 26 को जब, यानी 26 किसके बराबर हो जाएगा? तो आप कहेंगे 26 बराबर है 160 के, किस 260 के। तो एक किसके बराबर हो जाएगा? तो एक बराबर हो जाएगा 10 के। किसके जाएगा? एक बराबर हो जाएगा 10 के। तो यहाँ से इसको कितना मिल गया? तो यहाँ से आपका इसको मिल गया 5 10 में कितना? 50 मिल गया। यहाँ से मिल गया इसको 60 मिल गया और यहाँ से इसको 70 मिल गया और यहाँ से इसको मिल गया 80 मिल गया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है? अब आपसे पूछा ये है कि किसको ज़्यादा मिला है? तो ये 52 हो गया, ए को कितना मिल गया? 50 और 52 कितना हो गया? 102 हो गया। कितना हो गया? 50 और 52 कितना हो गया? 102 हो गया, ठीक है। बी को कितना मिल गया? तो देखिए सबसे ज़्यादा पूछा है सबसे ज़्यादा धन किसको मिला, तो देखिए ये तो सिंपल सी बात है, 29 और 7 ये आपका हो गया 99। कितना हो गया? 99। बी को मिल गया 99। सी को कितना मिला? तो आपको देखिए 70 यहाँ मिला और 26 यहाँ मिल गया, तो 70 और 26 की बात करें तो हो जाएगा आपका 96। कितना हो जाएगा? 96। डी को कितना मिला? 93। डी को मिल गया दोस्तों 93, ठीक है, डी को मिल गया 93। यहाँ से आपका टोटल निकल गया धन, क्या निकल गया? टोटल निकल गया आपका धन, यानी 102 किसको मिला है? ए को मिला है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर।
यहाँ पर आपका जो है ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा राइट, और यानी ए को मिला है सबसे अधिक धन मिला है, ठीक है। ए को क्या मिला है, सबसे अधिक धन किसको मिला है, ए को मिला है, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ए को क्या मिला है, सबसे अधिक धन मिला है,